तो गाइस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने यहाँ पर टोटल 3 विदेशी खिलाड़ियों के ऊपर अपना इंटरेस्ट दिखाया है और तीनों के तीनों ही सेंट्रल डिफेंडर है। उसी के साथ साथ केरला ब्लास्टर्स एफसी के न्यू फॉरेनर्स के बारे में भी अपडेट्स निकल कर आए हैं और ओडिशा एफसी ने यहाँ पर टोटल 6 इंडियन प्लेयर्स के साथ हो चुका है ऑफिशियली पार्ट ऑफ इस। तो कई सारे बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और मैं आप लोगों से रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए अब बिना किसी देरी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले अगर बात किया जाए ओडिशा एफसी के बारे में, तो ओडिशा एफसी ने यहाँ पर उनका स्क्वाड में से टोटल 6 प्लेयर्स के साथ हो चुका है ऑफिशियली पार्ट ऑफ इस और 6 ही भाई इंडियन प्लेयर्स है। और उस 6 इंडियन प्लेयर्स का लिस्ट में शामिल है भाई नारायण दास, राणा घरामी, अमित तारू, विक्रमजीत सिंह और रोमियो फर्नांडिस। तो इन 6 प्लेयर्स के साथ पार्ट ऑफ इस हो चुका है ओडिशा एफसी। और चलिए अब बात कर लेते हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के बारे में। तो गाइस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने यहाँ पर टोटल 3 फॉरेनर्स के ऊपर अपना इंटरेस्ट दिखाया है, जिनमें से पहला फॉरेनर है भाई बेंजामिन लैम्बर्ट। और इनके बारे में अगर बात किया जाए तो बेंजामिन लैम्बर्ट बेल्जियम से बिलोंग करते हैं, एज ए सेंटर बैक के पोजीशन में ये खेलते हैं और इनके एज है 33। इन्होंने गाइस अपना क्लब करियर के अंदर एएफसी तुबिजे, रॉयल भार्टन और रॉयल एंटीवर्प एफसी की तरफ से बेल्जियम फर्स्ट एयर लीग के अंदर बहुत सारा मैचेस खेला है। और इसके अलावा लास्ट ईयर ये खेल रहा था साइप्रस फर्स्ट एयर निये सालामिस एफसी की तरफ से। तो गाइस 33 वर्षीय बेंजामिन लैम्बर्ट के साथ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी एडवांस स्टॉक में है और इनको यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी मिस्लेप कमोर्स्की का रिप्लेसमेंट के तौर पर साइन कर सकते हैं। और उसके बाद दूसरा फॉरेनर है भाई ओसामा मालिक। तो ओसामा मालिक ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, एज है 29 और ये भी एक सेंट्रल डिफेंडर है। इन्होंने गाइस अपना क्लब करियर के अंदर सऊदी प्रोफेशनल लीग में अल्बर्टिन एफसी की तरफ से खेला है और इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन ए लीग में भी इन्होंने नॉर्दर्न फूरी एफसी, एडिलेड यूनाइटेड, मेलबोर्न सिटी और पार्थ ग्लोरी की तरफ से टोटल 176 मैचेस खेला है। उसके बाद 11 ए लीग फाइनल मैचेस भी इन्होंने खेला है और इसके अलावा एएफसी चैंपियंस लीग में भी इन्होंने टोटल 6 अपीयरेंस किया है। तो गाइस ओसामा मालिक के ऊपर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी इंटरेस्ट दिखाया है मेनली एशियन कोटा के तौर पर। लेकिन गाइस यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए दिक्कत यह है कि ओसामा मालिक का जो करंट क्लब है पार्थ ग्लोरी, उसके साथ यहाँ पर ओसामा मालिक का 2022 तक का कॉन्ट्रैक्ट है। और ऐसे में अगर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी इनको साइनिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर पार्थ ग्लोरी को एक बड़ा ट्रांसफर फी देना होगा। और गाइस इसके अलावा अगर पार्थ ग्लोरी इनको छोड़ते हैं तो यहाँ पर ओसामा मालिक नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में एज ए लोन के तौर पर भी आ सकते हैं। तो गाइस फिलहाल के लिए यहाँ पर ओसामा मालिक का कॉन्फर्म अपडेट्स के लिए हमें थोड़ा वेट करना होगा और इसके बारे में आगे जाकर अगर कुछ भी अपडेट्स निकल कर आते हैं तो मैं आप लोगों को जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और उसके बाद अगर बात किया जाए तीसरे फॉरेनर्स के बारे में, तो तीसरे फॉरेनर्स है भाई टॉमिस्लाव मार्सेला। और गाइस ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का ही तीसरा फॉरेनर्स नहीं बल्कि इनके साथ साथ केरला ब्लास्टर्स ने भी इनके ऊपर अपना इंटरेस्ट दिखाया है। यानी कि गाइस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी और केरला ब्लास्टर्स एफसी दोनों ही क्लब सिर्फ एक ही फॉरेनर्स के पीछे भाग रहा है और ये दोनों ही क्लब अभी तक इस सीजन में कोई भी फॉरेन डिफेंडर्स को साइनिंग नहीं किया। और यहाँ पर गाइस अगर बात किया जाए टॉमिस्लाव मार्सेला के बारे में, तो टॉमिस्लाव मार्सेला ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, एज ए सेंटर बैक के पोजीशन में ये भी खेलते हैं और इनका एज है 29। और इनका अगर क्लब करियर देखा जाए तो इन्होंने अपना क्लब करियर के अंदर 2009 से लेकर 2014 तक क्रोएशियन फर्स्ट टायर और क्रोएशियन सेकेंड टायर लीग के अंदर बहुत सारा क्लबों की तरफ से खेला है। उसके बाद K1 लीग में भी इन्होंने जोएनराम ड्रैगन्स के तरफ से खेला है और ऑस्ट्रेलियन ए लीग के अंदर इन्होंने पार्थ ग्लोरी के तरफ से बहुत सारा मैचेस खेला है और लास्ट ईयर भी ये पार्थ ग्लोरी के तरफ से ही ऑस्ट्रेलियन ए लीग में खेल रहा था। इसके अलावा गाइस ये ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन स्क्वाड में भी शामिल था। तो गाइस पार्थ ग्लोरी के साथ टॉमिस्लाव मार्सेला का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो चुका है और ये फिलहाल के लिए एक फ्री एजेंट है। और गाइस अब टॉमिस्लाव मार्सेला के ऊपर अपना इंटरेस्ट दिखाया है 2 ISL क्लब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी और केरला ब्लास्टर्स एफसी। लेकिन गाइस यहाँ पर ज्यादा जो पॉसिबिलिटी है वो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का ही है क्योंकि गाइस फिलहाल के लिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का मैनेजमेंट ट्रांसफर मार्केट के ऊपर फुल्ली एक्टिवेट हो चुका है। और गाइस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का मैनेजमेंट जब ट्रांसफर मार्केट में एक्टिव होता है तो उनका सारा साइनिंग रेगुलरली हो जाते हैं। लेकिन गाइस यहाँ पर टॉमिस्लाव मार्सेला के पीछे उनके साथ केरला ब्लास्टर्स भी रेस में शामिल है। और गाइस अब देखने के बाद ये होंगे कि कौन सा वो क्लब है जो टॉमिस्लाव मार्सेला को साइन करके अपना एशियन कोटा का लिस्ट पूरा करते हैं। तो चलिए आगे जाकर अगर इसके बारे में कुछ भी अपडेट्स निकल कर आते हैं तो मैं आप लोगों को जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। और आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छे लगे तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर देना, जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कर देना और ISL 2021 से जुड़ी हर एक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जुड़ी नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सेट कर लेना। तो फिर मिलेंगे अगले एक नए फुट ऑफ नॉलेज एपिसोड के साथ और तब तक के लिए बाय बाय।